प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में क्लास दसवीं के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 18वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, यूरोपियन समाजवाद या स्वप्नदर्शी समाजवाद का प्रमुख विचारक कौन था? आंसर, सेंट साइमन। अगले प्रश्न की ओर, कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर याद रखिएगा, 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में। यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किसने और कब किया था? आंसर याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स और उनके मित्र ने 1848 ईस्वी में उनके मित्र फ्रेडरिक एंगेल्स, इसके मित्र जो थे फ्रेडरिक एंगेल्स। अगले प्रश्न की ओर चलिए, आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? आंसर, कार्ल मार्क्स को। आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल की रचना किसने और कब की थी? कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलिए, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। अगला प्रश्न, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 1864 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 14 जुलाई 1889 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष मजदूर दिवस कब से मनाया जाता है? 1 मई 1890 से, इसको भी ध्यान में रखिएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है था? जार। रूस में सम्राट को क्या कहा जाता था? जार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रूस में बोल्शेविक क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? याद रखिएगा, लेनिन के नेतृत्व में। अगले प्रश्न की ओर चलिए, रूस में राजक्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में भूदास प्रथा का उन्मूलन कब और किस जार ने किया था? 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए, 1917 के रूसी क्रांति के पूर्व वहां किस राजवंश का शासन था? रोमानोव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस क्रांति को रूसी राज क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है? आंसर, 1905 की क्रांति। अगले प्रश्न की ओर चलिए, किस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार कहा जाता है? आंसर, पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी तथा नए रूसी कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 ईस्वी की घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलिए दोस्तों, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? 1898 ईस्वी में प्लेखानोव ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी
पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1901 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जार के शासन का पतन कब हुआ? 12 मार्च 1917 को। अगला प्रश्न, रूस में जार के शासन के पतन के बाद अस्थायी सरकार का गठन कब और किसके नेतृत्व में हुई? आंसर, 15 मार्च 1917 को क्रेनस्की के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1917 को या 7 नवंबर 1917 को, कोई भी याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलिए। लाल सेना का गठन किसने किया? याद रखिएगा, ट्राटस्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की ने। अगले प्रश्न की ओर चलिए। चेका नामक विशेष पुल, अगला प्रश्न की ओर चलिए। चेका नामक विशेष पुलिस दस्ते का गठन किया गया था लेनिन के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? आंसर, 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? आंसर, लेनिन ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम किस देश में साम्यवादी शासन लागू हुआ? आंसर याद रखिएगा, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम के अधिकारों को मौलिक अधिकारों का दर्जा सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ? आंसर याद रखिएगा, रूस में। अगला प्रश्न, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में, यह कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेनिन की मृत्यु के बाद रूसी शासन का प्रधान कौन बना? स्टालिन, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा, सोवियत संघ का गठन 1918 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। तो दोस्तों, यह चैप्टर 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो कि हमने बिल्कुल आसान भाषा में, अपनी भाषा में तैयार किया और आपके बीच शेयर किया। और आप भी अपने दोस्तों फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, ताकि वह भी अपने ज्ञान उठाकर अपने भविष्य की उज्ज्वल कर सके। थैंक्स, धन्यवाद।